हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे कि आम के बौर से पूरी तरह से भरा हुआ है ये पौधा और ये गमले में ही लगा हुआ है। 12 इंच का ये पॉट है जिसमें कि ये आम का पौधा लगा हुआ है और चारों ओर से आप देख पा रहे होंगे कि बौर से पूरी तरीके से ये पौधा भरा हुआ है। पिछले साल भी इसमें आम हुए थे और इस साल तो बहुत ज़्यादा बौर आए हुए हैं और छोटे छोटे जो मटर के दाने जैसे जो दाने हैं या आम है वो बनना इसमें शुरू हो गया है। तो जिन्होंने इस पौधे को लगाया है, किस तरीके से इसकी देखभाल कर रहे हैं, कैसे मिट्टी इसके लिए तैयार की, तो चलिए उनसे मिलते हैं और आम के पौधे के बारे में सारी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, आज हम जिनके घर पे आए हुए हैं वो है सुरंजन जी, जो कि हमारे सामने बैठे हुए हैं और ग्राफ्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं। पहले भी आपने 2-3 वीडियो इनका देखा है ग्राफ्टिंग अलग अलग पौधों में करते हुए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिर से एक बार हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में। हमारी बगिया यूट्यूब में स्वागत है और आज हम आए हैं एक आम का पेड़ लेके, जो 12-मासी आम है उसको हमने किसी नर्सरी से लाया था और इस साल भी देखो कितने बोर आए हैं और आम भी थोड़ा सा मटर के दाने जैसा लगा हुआ है और ये तीसरी बार आम मैं इसमें ले रहा हूँ। इसको तीन बार आ चुके हैं इतने छोटे से पौधे में। तीन बार आ चुके हैं। बहुत बढ़िया, ये तो फलियाँ मुझे दिखाई दे रही है, ये छोटे 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 फल आना शुरू हो गए हैं इसमें। ठीक, तो ये जो आपने इसको जो लगाया था या कब इसको ख़रीदा था आपने? ये हमने किसी नर्सरी से लाए थे, देखा था छोटे पेड़ में फल आ गया तो हमने इसको ख़रीद के लाया था 250 रुपये में। तो हमने पहले इसको छोटे पॉट में लगाए थे। ठीक ठीक। इसमें खली का पानी, नीम का खली और गोबर की खाद, नॉर्मल चीज़ यूज़ करता हूँ इसमें, कोई ना पेस्टिसाइड ना कुछ इस्तेमाल करता हूँ। तो इसकी उम्र मतलब 3 साल हो चुके हैं? हाँ, 3 साल हो गए। पहली साल ये बोर तोड़ दिया था यहाँ से तोड़ दिया था, दूसरी साल फिर बढ़ गए। इस साल इस बोर को ख़त्म होने के बाद फिर नया बोर निकलेंगे। 12 महीने में 3-4 बार होता है, लगातार इसमें फल रहता है। ठीक। इस तो ये जिस समय आप लाए थे क्या ये पौधा पॉलीथीन में था या जो है ऐसे ही गमले में था? कोई पॉलीथीन में था। तो उस समय भी क्या ऐसे बोर लगे हुए थे उसमें? हाँ, बोर लगा हुआ था। बोर लगा हुआ था, एक आम था इसमें, एक आम भी था छोटा सा। तो वो फिर बाद में टूट गया होगा? हमने तोड़ दिया था, घर आके इसको तोड़ दिया था। ठीक। फिर दूसरे साल से हमने इसमें आम लेना शुरू कर दिया। ये तीसरी बार आम हो रहा है इसमें, मतलब पिछले साल भी आपने इससे आम लिया है? 6 महीने बाद भी लिया। तो लगभग कितने आम आए थे पिछले साल? कम से कम पिछले साल 8-10 आम इसमें आए थे। और इस बार जैसे दिखाई दे रहा है कि ये पूरी तरह से इतने ज़्यादा बौर से भरा हुआ है, तो लगभग जो है कितने टिकने की उम्मीद है आम इसमें? लगभग 20-25 आम तो टिकना चाहिए इसमें। 20-25 टिकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जितने बौर देख रहे हैं सब में आम टिक जाएंगे, क्योंकि पॉट अभी छोटा है, पौधा छोटा है। अगले इससे बड़ा पॉट में लगा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पॉट में लगाएंगे तो पौधा बड़ा हो जाएगा, ये सत्य है। तो इसलिए हमने इसको केयर करके जैसे बोर ख़त्म होने के बाद यहाँ से हम काट देंगे, काटने के बाद इसमें 3-3 टहनी निकलेंगे। अच्छा, इसको फिर काटेंगे। हाँ, फिर यहाँ से जो है ये तीन टहनी। हाँ, आ जाए। ये जो पत्ता है जैसे यहाँ से काटा, 2 टहनी आ गया। ठीक ठीक। यहाँ से देखो काटा, ये देखो ये 3 टहनी आ गया। ठीक। फिर यहाँ से देखो काटा, इसमें भी 3 आ गया। तो ये प्रूनिंग आप कब करेंगे इसको? ये जैसे आम खाने के बाद, उसके बाद हाँ इसको काट देंगे। उसके बाद जस्ट आपने काट दिया, फिर से ग्रोथ लेना शुरू हो जाएगा। काटने के बाद इसको खरपतवार कर देंगे, इसमें गोबर की खाद, कुछ रेता और कुछ मिट्टी मिला के फिर इसको। और ये जैसे आम का पौधा अभी तो ये जो दिखाई दे रहा है ये लगभग कितने इंच का पॉट होगा? ये 12 इंच। 12 इंच के पॉट में इस समय है। तो शुरू में जैसे पॉलीथीन में आया था तो पहले आपने लगभग कितने इंच के पॉट में इसको? हमने छोटा 8-10 इंची 9 इंची, मतलब 9-10 इंच के जो पॉट है उसमें। तो क्या नर्सरी से ला करके कोई तुरंत इस तरह के पॉट में रिपोर्ट करना चाहिए, रखना चाहिए नर्सरी के घर में? क्योंकि नर्सरी का जो होता है वो दूसरी तरीके उसका खुराक दिया जाता है और हमें घर में नॉर्मली खुराक देंगे हम। ठीक ठीक। इसलिए हमें 2 दिन रखना चाहिए कि हमारे यहाँ का वातावरण को, मतलब 2-4 दिन। हाँ, 10 दिन हम जो है
किसी दूसरे पेड़ पौधों के साथ वैसे ही रख रहे हैं। फिर इसके साथ जब घुल मिल जाएगा तब हम इसको लगाएंगे, तो कोई पौधे का आज तक तो हमें कोई पौधे का दिक्कत नहीं हुआ। देखो ये लगा हुआ है, चीकू लगा हुआ है, फिर नींबू, हमारा नींबू का वीडियो तो आप देख चुके होंगे। बिल्कुल सभी चीज़ें दिखाई दे रही है, इधर टमाटर भी दिख रहे हैं। यहाँ पर नींबू का पौधा यहाँ पास में ही है, तो इसमें तो हम आज बातचीत इसके बारे में नहीं करेंगे, मेनली आम के बारे में ही बातचीत करेंगे। तो आम हो या कोई भी पौधा, जैसे आपने कहा कि नर्सरी से ला कर के रखेंगे, तो कई बार जो है गलती करते हैं कि नर्सरी से जो पॉलीथीन लाते हैं सीधा ऐसे छत के सरफेस पर हम रख देते हैं, और जबकि नर्सरी में वो मिट्टी में टच होता है पॉलीथीन और नीचे से जड़ें निकली हुई रहती हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी छायादार जगह में, थोड़ा जहाँ हल्का धूप आए वहाँ रखना चाहिए, या जैसे कि इस तरह का कोई गमला हो या कोई मिट्टी हो, मिट्टी के ऊपर आप उसको रख देंगे तो ज़्यादा बेटर है, या पॉलीथीन समेत आप उसको मिट्टी में दबा करके रख दे किसी गमले में। ना ना, किसी गमले में नहीं, जैसे छायादार जगह पे रख दे दो चार, तो वो भी हो जाएगा। हाँ, उसमें अच्छा होगा क्योंकि यहाँ का माहौल वो ढाल लेगा। ठीक ठीक, उसके मतलब एक हफ्ते या दस दिन बाद लगा आप फिर ट्रांसफर करिए किसी पॉट पे, धीरे धीरे पॉट को जैसे पेड़ बढ़ता जाएगा, और हर साल इसको मतलब इसको निकाल के चारों से जो जड़ें निकलती है उसको काट दो, काट के फिर लगा दो। मतलब रिपोर्टिंग की बात आप कर रहे हैं, रिपोर्टिंग हर इंसान नहीं समझता, इसलिए हम ये मतलब सीधी भाषा में हम बात कर रहे हैं कि रिपोर्टिंग कहेंगे तो जो अनपढ़ बंदे हैं वो उसको समझ में नहीं आएगा, हमको आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसे रिपोर्टिंग जो हम कहेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सीधा इसको निकलो, मतलब गमले से पौधे समेत हम मिट्टी समेत निकाल के फिर चारों ओर से काट दो, जो आरी वगैरह से हम चारों ओर से काटते जो रूट जड़ है, रूट जैसे रूट का जड़ उसको आप काट दीजिए, काट के फिर उसमें गोबर की खाद, नीम की खली और जो मटेरियल आप दोगे मतलब मिट्टी वगैरह मिला के फिर इसमें डाल के पानी भर दीजिए। ठीक ठीक, फिर नए जड़ उसमें निकलेंगे तो और ग्रोथ होना चालू करेगा, फिर इतने छोटे से पॉट में भी आपका अच्छा फल देना चालू कर देगा। तो ये जो गोबर की खाद वगैरह का आप कह रहे हैं, तो कितनी मिट्टी, कितने गोबर की खाद ये सब मिलाना? गोबर का हम तो आधा आधा कर देते हैं, मतलब आधा गोबर की खाद और आधा मिट्टी, कभी कभी 60% भी देते, जो पुराना खाद है वो 70% भी हम तो डाल देते हैं। मतलब कम से कम तो एक साल पुराना होना ही चाहिए गोबर के खाद, होना चाहिए हाँ, क्योंकि नया खाद जो है नुकसानदेह करता है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा सर, जैसे आपने इसमें रिपोर्टिंग की बात कही, यानी कि पौधे को निकाल करके दोबारा जो खाद वगैरह गोबर की खाद है, मिट्टी है, उसमें डाल करके दोबारा से लगाना, तो ये जो करेंगे कब कर सकते हैं? ये हम बोर आने से पहले, क्योंकि बोर आने के बाद इस समय अगर इसको हिलाएंगे तो क्या पता इसका ये बोर में या आम आने में नुकसान कर दे, इसलिए कम से कम इसके बोर आने से 15 दिन या 20 दिन या एक महीने पहले कर दीजिए, ताकि पौध स्वस्थ रहे और उसमें अच्छा बोर आए। जैसे नॉर्मली जैसे फरवरी के बाद जैसे कई जगह जो है मार्च अप्रैल में बोर आना शुरू हो जाता है, तो फरवरी में कर सकते हैं? अगर मार्च में आया तो फरवरी में कर दीजिए। ठीक ठीक, क्योंकि आमतौर से सर्दियों के तुरंत बाद से फिर मतलब हम ये कहने की ये जो बोर निकलने के बाद इस पौधे को ना हिलाए ना कुछ, आराम से इसको मतलब ऊपर से खाद काट डाले, कुछ DAP डाल सकते हो इस पर। और ये जो रिपोर्टिंग है, क्या जैसे इसका आम जिस समय हो जाते हैं तो उसके बाद तुरंत बात किया जा सकता है? ना, आम होने के कम से कम उससे तो पहले आम जब हम खा चुके हों, जैसे अभी तो ये लगना शुरू हुआ है, ये आम हो जाएंगे, आम खा चुके होंगे, उसके बाद जब पौधा खाली रहता है तो क्या उस समय पौधा? तो आम आने से एक महीने पहले कम से कम 3-3 महीने का गैप देना चाहिए। ठीक ठीक, साल में आने से एक बार आने से एक डेढ़ महीने पहले करें तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें जो मिट्टी में किसी तरह के कोई दवाइयों का यूज़ करते हैं? हाँ, दवाई यूज़ करता हूँ कीड़ा के लिए, आप नीम की खली यूज़ कर सकते हो, और ऐसे मिट्टी ऐसे भूरा भूरा होना चाहिए। अच्छा, भूरा होना चाहिए। ये अगर इसमें खली छिड़क दोगे तो मिट्टी ऐसे टेतला मिट्टी होगा और भूरभरा मिट्टी होगा। देखो, अच्छा, जो सरसों की खली है, सरसों की खली उसको डायरेक्ट छिड़कते हैं उसको, या उसको पानी में भिगो कर उसका पानी देते हैं? पानी में भिगो कर पानी भी देते हैं, और डायरेक्ट भी इसमें डायरेक्ट भी कभी कभार दे देते हैं, लेकिन इस गर्मी में तो नुकसान करेगा। गर्मी में नहीं, ठंडे में, सर्दियों में। और कई बार जो है पॉट गीला होता है तो सरसों की खली फिर नुकसान भी कर देता है। अगर ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा मात्रा में क्यों दो, जितना खा सके एक पौधा उतना दो। हम तो इसमें 1-2 चम्मच दे देते हैं पाउडर बना के,
और कभी जैसे मार्केट की खाद है डीएपी वगैरह? हाँ, डीएपी कभी कभी, डीएपी कभी इस्तेमाल कर देता हूँ, और ज़्यादातर नीम का तेल। नीम का तेल, हाँ। तो स्प्रे उसमें करना चाहिए जिसमें बो रहा है, उसमें ना पानी का ना किसी फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब बोर आने पर ना तो कोई दवाई का स्प्रे करे ना कोई फंगिसाइड का स्प्रे करे, और उससे पहले पहले जितना करे, पहले करे या फल होने फल के बाद, आने के बाद करे। ठीक ठीक, क्योंकि इससे काफ़ी संभावना रहती है कि बोर हमारे झड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। तो नॉर्मल बस इस समय आप कोई केयर इसमें कर रहे हैं, कोई कुछ दे रहे हैं या ऐसे ही? अब कुछ नहीं, ऐसे रख दिया, खाली पानी, केवल पानी को आप बैलेंस कर रहे हैं। हाँ बस इसमें। हाँ। और जब ये फल लग जाएंगे उस समय क्या देने की जरूरत होगी? उसमें हम डीएपी इसमें नीचे दो चार दाना डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा, मतलब हाँ, थोड़ा पानी चम्मच से भी कम। हाँ, फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं उस समय जब आम इतना बड़ा बड़ा हो जाए। ठीक ठीक, तो उसमें फंगिसाइड थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा, ताकि कोई कीड़ा आके परेशान ना करे। और आम होने के बाद फिर इसको आप दोबारा से जो है ये सब काट देंगे इसको? ये जो ये पत्ता नहीं निकला यहाँ से, यहाँ से काट देंगे। तो देखिए पिछले साल ये काटा था हमने, ये कितने यहाँ से तीन ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस निकला, ये निकल गया, ये दो निकला, तो इसी वजह से ये इतना झाड़ीदार बना। ये इस बार आम खाने के बाद यहाँ से काट देंगे, फिर यहाँ से चार और तीन तीन टेन निकले, अगले बार और बड़ा बड़ा भी हो जाएगा और अधिकतर इसमें फल आएंगे। ठीक ठीक, तो सुरंजन जी आपने आम के पौधे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी जो कि टेरेस में और गमले में हो सकता है, तो इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपको भी धन्यवाद है, आपने मेरा इस पौधे को पूरे दुनिया में पहुंचाया, इसलिए आपका भी बधाई हो, धन्यवाद भी हो। अगले साल इसका कलम आपको भी बना के देंगे, ये बारहमासी आम है, आपको भी इसका कलम मिल जाएगा और आपके छत भी ऐसे बढ़िया पेड़ होना चाहिए। मैं यही कामना करता हूँ भगवान से।